आप सभी का स्वागत है होम नीटिंग चैनल में। तो मैं आज सबके लिए 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए जैकेट लेके आई हूँ। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है। यहाँ पे जो क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ मैं 11 नंबर क्रोशिया है और यहाँ पे 4 प्लाई होना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे 30 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 31 30 फंदे हमने यहाँ पे बना लिया, यानी 30 हमने यहाँ पे चेन बना लिया, यानी 30 चेन बनाना है आपको। 30 चेन बनाने के बाद देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ से स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करना, 1 और ये 2, और ये जो 30 नंबर की चेन है यहाँ पे इस तरह से उंगली रखेंगे और यहाँ पे हम सारे चेन में से डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशे करते हुए निकालेंगे हम। डबल क्रोशिया को ज़्यादा लंबा खींच के नहीं बनाना आपको। चलिए तो पहले डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करते हैं। पहली लाइन हमारी डबल क्रोशिया की कंप्लीट हुई। यहाँ पे चेन लेंगे हम 1 2 और ये 3 चेन। 3 चेन ले लिए हमने, तो पलट जाएंगे। पहली चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया हुई, दूसरी चेन पे डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से हम। हर एक चेन पे डालते हुए फिर से हम डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हमें 3 लाइन ही बनानी है डबल क्रोशिया की। एक हमने बनाई है दूसरी, और एक और हम बनाएंगे। 3 लाइन ही डबल क्रोशिया की बनेगी। तो यहाँ पे देखें हमने डबल क्रोशिया की 3 लाइनें कंप्लीट कर ली है, 1 2 और ये 3। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 चेन लेंगे, इधर पलटेंगे, क्रोशिया पर धागा लेंगे। सबसे पहली वाली चेन पर अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी 3 लाइनें हमें डबल क्रोशिया की बनानी है। चौथी लाइन हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया की बनाएंगे इस तरह से। चलिए तो ये हाफ डबल क्रोशिया की लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं कि इसको सिलना किस तरह से और बॉर्डर लाइन किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हमारी पट्टी रेडी हो गई। तो हम 2 पट्टी इस तरह से तैयार करेंगे। हम 2 पट्टी तैयार करने के बाद जो हमारी डबल क्रोशिया की लाइन है उसे देखिए हम इधर रखेंगे, इस साइड रखेंगे अंदर की, और जो हाफ डबल क्रोशिया की लाइन है वो हमारी बाहर की ओर रहेगी। अब इसे इस तरह से रखेंगे, देखें ऐसे रखने के बाद दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने के बाद देखिए इसे 3 हिस्सों में बांटना है हमें। तो बांटने के तरीका देखिए किस तरह से, एक बार फोल्ड करेंगे बराबर करते हुए, एक बार फोल्ड किया हमने और ये दूसरी बार, ये हमारे 3 हिस्सों पर इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से देखिए ऐसे करेंगे, खोलेंगे, यहाँ से एक हिस्सा, यहाँ से दूसरा हिस्सा और यहाँ से तीसरा हिस्सा। और देखिए यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से एक हिस्से हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ले लेते हैं, पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, 3 हिस्से हैं तो यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और इधर से इधर बाकी हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम सिलना शुरू करते हैं, इस तरह से लेंगे और एक हिस्सा पहले सिल लेंगे हम। आपस को चेन में मिलाते हुए सिलाई करना है हमें। यहाँ तक सिलेंगे। अगर ऐसे देखने चाहें तो डबल क्रोशिया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें तक हम सिलाई करेंगे, यानी 10 डबल क्रोशिया तक हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मार्कर लगा लें एक बार, ये फिर एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और एक बार और ऐसे इस तरह से दाब देंगे तो निशान बन जाएगा। ये देखिए डबल क्रोशिया की जिधर से हमने शुरुआत की है दोनों पार्ट एक साथ ही रखेंगे, उस साइड ही सिलना है। जहाँ ऊपर हमने यहाँ पे रखी है हाफ डबल क्रोशिया, उस साइड नहीं सिलना है हमें।
हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। और सिलाई करने के बाद यहाँ पे अब हम इस तरह से गांठ लगा देंगे। सामने गांठ नहीं लगाएंगे, आगे ले जाते हुए हम गांठ लगाएंगे। अब यहाँ ले जाएंगे और यहाँ धागा घुमाते हुए हम इस तरह से एक बार और गांठ लगा लेंगे। इसी चेन से निकालेंगे, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे धागे को काट लेंगे हम। काटने के बाद देखिए इसे हम ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद इसे फोल्ड करेंगे हम। दो हिस्से हमें सिलाई नहीं करनी है, ये तीनों में से तीन हिस्से में से एक ही हिस्सा को सिलाई करना है आपको। और उसके बाद जो हिस्सा सिलाई किया हुआ उसे नीचे की ओर रखेंगे, ऐसे करेंगे, फोल्ड करेंगे दोनों को इस साइड, देखिए इस तरह से। अब ऐसे रखने के बाद देखिए नीचे से हम एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे देखिए एक चेन, दो, तीन और ये चार, चार चेन तक हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ तक ऐसे लिए हमने, यहाँ से सिलाई करेंगे। पहले नीचे साइड एक गांठ लगा लेते हैं। जिस चेन में हमने डाला उस चेन में एक बार और डालेंगे। तो एक हो गई, यहाँ पे डालेंगे दूसरी चेन, तीसरी चेन और ये चौथी चेन। चार चेन में हमने इसे डाल लिया। अब इसी जगह पे एक बार और डालते हुए हम सुई को इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे और इधर जाते हुए हम धागे को काट लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखिए ऐसे रखेंगे इसे हम और यहाँ पे चार चेन तक हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए एक, दो, तीन और ये चार, एक, दो, तीन और ये चार, इधर भी एक, दो, तीन और ये चार बराबर करते हुए सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद देखिए ये जो हमारी हमने जो यहाँ बनाई थी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन हमारी आगे आ गई, डबल क्रोशिया की लाइन पीछे चली गई हमारी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसे बुनना। तो यहाँ पे इस तरह से चेन में आउटलाइन बनाएंगे इसकी हम, धागे को इस साइड घुमाना है हमें। एक चेन लेंगे और इसी चेन पे डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। जितनी भी चेन है हमारी सभी में एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अंतिम छोर तक जाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिंगल क्रोशिया की लाइन यहाँ तक आएंगे इधर, फिर इधर से घूमते हुए हम यहाँ तक आएंगे पूरी लाइन। ये देखिए इस तरह से इधर से सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और यहाँ तक इसे अंत करेंगे। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया पूरी लाइन कर लेते हैं। तो पूरी लाइन देखिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हुई है। अब लास्ट में आ गए, यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया की लाइनें दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है इसके अंदर डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। तो सबसे पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे हम, दो दो डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर इसके नेक्स्ट चेन पे डालेंगे, यहाँ भी हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन जहाँ जहाँ हमारे डबल क्रोशिया की लाइनें दिख रही है यहाँ पे हर जगह पे दो दो डबल क्रोशिया करेंगे हम। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। हर चेन पर दो दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी दो डबल क्रोशिया, फिर इस लाइन में भी दो, फिर जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ वहाँ दो दो डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए देखिए नीचे की लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो शुरुआत में हमने यहाँ पे बनाई हुई थी सिंगल क्रोशिया, इस लाइन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ से चेन लेंगे एक और ये दो, दो चेन लेने के बाद पलट जाएंगे। पहली दो चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया हुई, दूसरी चेन में डालेंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया करेंगे, दो डबल क्रोशिया हो गई। तीसरे चेन पर डालेंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, यानी एक चेन में दो चेन में एक एक बार करेंगे और तीसरी चेन में दो बार करेंगे, एक
दो और ये तीसरी वाली में दो चेन करेंगे, एक और ये दो, एक चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली चेन में डालेंगे यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में हमने दो चेन में हमने एक एक बार बनाया, तीसरी वाली चेन पे हम दो बार बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये लाइन हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखें, पहली चेन में हमने एक एक अलग चेन में बनाया हमने, फिर दूसरे तीसरे चेन में दो बार बनाया, फिर एक अलग, फिर एक अलग, फिर तीसरे में दो, फिर एक एक बनाया, फिर तीसरे वाले में दो बनाया। इस तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट कर, तो देखिए यहाँ पे पूरी नीचे की लाइन हमने बनाते हुए कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे एक चेन लेते हुए धागे को हम काट लेंगे, इस तरह से धागे को अंदर की ओर कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की ये शेप आ गई हमारे नीचे, ताकि गोपाल जी के नीचे तक आई हमारी ये। अब देखिए इसकी जो ये हमारी है, अब यहाँ से बॉर्डर लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो चेन दिख रही है, हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। यहाँ इस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पे डालेंगे इस धागे को, ऐसे लेना है, सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे। सबसे पहले धागे को इधर कर लेते हैं, ताकि हमारी जो धागा ये पक्का हो जाए। ये हो गई, सेम चेन पर डालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे वन सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी पूरा राउंड वन वन सिंगल क्रोशिया करते हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फुल स्लिप भी बना सकती हैं, यही डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया की लाइनें को आगे रिपीट करते हुए जाना आपको। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ये जैकेट बना के रेडी कर सकती हैं आप। तो चलिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे, पूरी जो चेन दिख रही है आपको यहाँ करते हुएंगे और यहाँ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ये जैकेट बन के रेडी हो गई है। देखिए इसके नीचे आप फुल पैंट भी बना सकती हैं। और इस बाजू को जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की लाइनें बनाई है, इसे आप थोड़ी सी लंबी बना दें तो कान्हा जी की पूरी बाजू में आ जाएगी ये। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इधर इधर चाहे तो स्टोन लगा सकती है, या फिर इस तरह से करते हुए यहाँ पे एक बटन लगा देंगे अंदर की साइड में, जो टिप टॉप बटन होती है वो लगा दें आप इसे, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी ये। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक घंटी आएगी उसे भी आप दबा लें। आपको ऑल पे क्लिक करना है तो ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर उस नए वीडियो के साथ। थैंक यू।